त्योहार का माहौल हो या मीठा खाने का मन हो, मिठाई तो हर घर में बनती है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऐसी एक मिठाई जो कि है बॉम्बे का आइस हलवा, जिसको गोल्डन आइस हलवा भी कहते हैं। ये आइस हलवा कैसे बनता है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, उसको कैसे बेला जाता है, सुखाया जाता है, उसकी कैसे कटिंग की जाती है एंड स्टोर किया जाता है, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो वेलकम टू स्वाद इंस्टीट्यूट, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कुकिंग एंड बेकिंग। दिस इज शेफ स्नेहा, फाउंडर ऑफ स्वाद कुकिंग। तो चलिए सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे यहाँ पे आइस हलवा। आइस हलवा जो बेसिकली बनता है वो स्क्वायर शेप में आता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के साथ होता है, रोज फ्लेवर में, केसर फ्लेवर में, प्लेन वाइट वेनिला फ्लेवर में, डिफरेंट फ्लेवर के साथ वो बनता है। मेन बात ये है इसकी कि वो सूजी के साथ भी बनता है या मैदे के साथ भी बनता है। हम आज यहाँ पे मैदे के साथ बनाने वाले हैं। मैदे के साथ बनाया हुआ ये हलवा जल्दी से सूख जाता है, सेट हो जाता है। सूजी से बनाया हुआ हलवा कभी कभार 1 से 2 दिन भी सीजन के अनुसार ले लेता है। तो हम अभी यहाँ पे बना रहे हैं हम मैदे से। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे थिक वाला पैन लेना है जिसका बॉटम जो है वो हैवी होना चाहिए। जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको आपको एग्जैक्टली फॉलो करने हैं तो आपकी रेसिपी भी सेम हमारे जैसे बनेगी। तो चलिए हम गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल दूध, सेम क्वांटिटी में यहाँ पे जाएगा प्योर घी। जितना यहाँ पे दूध है इतना ही हमको घी लेना है और इतनी ही सेम क्वांटिटी में हमें लेना है मैदा। अच्छे से तीनों इंग्रेडिएंट को एक बार मिला लेना है। गैस की फ्लेम यहाँ पे हम स्लो कर देंगे एंड इसमें इससे डबल क्वांटिटी की जाएगी ग्रैन्यूलेटेड शुगर। जो हम रेगुलर शक्कर यूज़ करते हैं वही हमें लेना है। जैसे जैसे ये शक्कर पानी छोड़ेगी वैसे वैसे एक लिक्विड बनता जाएगा, पर मेक श्योर आपको उसको धीमी आंच पे कंटिन्यूसली हिलाना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी केसर की पत्ती और धीमी आंच पे हम इसको पकाते जाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, साथ में हमने केसर का फ्लेवर दिया है और धीमी आंच पे हिलाते रहना है। अभी हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा येलो कलर, सो फ्यू ड्रॉप्स येलो कलर डालना है आपको। उसको बहुत टाइम लगेगा पकने में, धीमी आँच पे धीरज से आप पकाओगे तो भी उसको टाइम लगेगा। मैं आपको बताऊँगी अप्रोक्स कितना टाइम लगता है। तो देखो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और ये ऐसा आपको दिखेगा जब आप उसको पकाएंगे। तो इसको हम इसी तरीके से कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे जब तक ये अपना एक मावा ना बन जाए और यहाँ पे पैन छोड़ ना दे, तब तक उसको हमें हिलाना है और फिर उसको हम बेलेंगे बटर पेपर के ऊपर। तो हम उसको अभी हिलाएंगे एंड तब तक मैं यहाँ पे रेडी कर देती हूँ बटर पेपर को। तो ये हमारा बटर पेपर, या तो पार्चमेंट पेपर आपको लेना है या आप घर पे एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हो। और इसके ऊपर हमने ऐसे घी लगा देना है अच्छे से। और देखिए तब तक हमारा यहाँ पे हलवा जो है उसकी कंसिस्टेंसी क्या हो गई है। देखो ये अभी थिक होने लगा है और साइड पे थोड़ा लगने भी लगा है, मतलब यहाँ जो दूध का पोर्शन था वो अंदर जलने लगा है, मतलब एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, अब ये बनना शुरू हो जाएगा तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना है। देखो ये ऐसा थिक हो गया है, अभी और थोड़ा हम पकाएंगे और बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है वरना इसमें गुठलियाँ हो जाएगी शक्कर की और फिर आप बेल नहीं पाओगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ये मावा जो है हलवे का बहुत ज़्यादा अच्छे से ठीक हो गया है, ऐसा होना चाहिए देखिए। ठीक है, अब ये एक है कि ठीक हो गया, बीच में पैन के बीच में आ रहा है। अब दूसरा इसका हमने चेक करना है कि ऐसे आप करोगे तो ये जो कढ़ाई है इसके ऊपर ऐसे रुक जाना चाहिए। ये उसका दूसरा चेक करना है कि इससे भी आपको पता चलेगा कि हमारा मावा हो गया है। और एक मेन बात मैं आपको बताती हूँ कि मावे को कैसे चेक करेंगे। तो ऐसे एक छोटी प्लेट लेंगे और थोड़ा सा मावा हम इसमें निकालते हैं। अब ये जो मावा है उसको आपको हाथों से ऐसे करना है एंड थोड़ी देर उसको रखना है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो ये एक अच्छे से उसकी गोली बन जाएगी, ऐसी गोली हो रही है, दैट मीन्स आपका मावा अभी तैयार है।
तो चलिए यहाँ पे हमारा आइस हलवा का मावा कंप्लीट तैयार हो गया है। गैस कर देते हैं हम ऑफ एंड यहाँ पे जो हमने पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर पे घी लगाया है इसके ऊपर उसको तुरंत निकाल देना है। अभी यही मावे को थोड़ा हम ऐसे जितना फैला सके इतना फैला देंगे। दूसरा जो पार्ट है उसके ऊपर भी हमने लगाया है अच्छे से घी पार्चमेंट पेपर पे एंड इसको इसके ऊपर थोड़ा फोल्ड कर देंगे एंड फिर हम इसको बेलेंगे। ऐसे खींचते जाओ एंड इसको बेलते जाओ। ये अनइवन भी बेलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने एक और पार्चमेंट पेपर रखा है क्योंकि ये ज्यादा बड़ा हो रहा है। थिकनेस है हमारी, एक थिकनेस को हमें मेंटेन करना है। एक स्क्रैपर की मदद से ऐसे आप इसकी साइड्स करना चाहते हो कर सकते हो, वरना बाद में भी हम कटिंग में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी पिस्ताचो की स्लाइस स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी आलमंड फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे एंड थोड़ा इलायची के दाने हल्के हल्के, थोड़ी केसर की पत्ती और वापिस एक बार उसको ऐसे बेल लेंगे। तो अभी हम एक पार्चमेंट पेपर लेंगे और अच्छे से उसको यहाँ पे प्रेस करेंगे क्योंकि ये जितने भी नट्स है अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएंगे। अब ये हमारा आइस हलवा रेडी है, पर इसको मिनिमम अगर हमने मैदे में भी बनाया है तो भी मिनिमम उसको 24 आवर्स तो लगता ही है, तब जाके वो परफेक्ट आपको उसका टेक्सचर मिलता है। तो हम यहाँ पे 24 आवर्स के लिए रखेंगे, पर हमेशा से ये हलवा कौन से इंग्रेडिएंट से बनता है, कौन से सीजन पे बनता है वो बहुत ही मैटर करता है। तो जैसे मैंने मैदे से बनाया तो मिनिमम 24 आवर्स, अगर आप सूजी से बनाते हो तो एटलीस्ट उसको 36 आवर्स से भी ज़्यादा लग सकता है। तो बनाने में इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बस उसको ड्राई होने में यानी कि सूखने में टाइम लगता है क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। बाहर जब वो बनता है तो मशीनरी से बनता है, उसकी एक ऑटोमेटिक सिस्टम होती है जिससे वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो घर पे हमको बस उसको सुखाने में टाइम लगे, चाहे तो आप उसको पंखे के नीचे सिखाए और या फिर ऐसी कोई आप अच्छे से ड्राई जगह पे उसको रख दीजिए जहाँ पे वो जल्दी से सूख जाए। चलिए तो यहाँ पे हमारा ये बॉम्बे आइस हलवा बहुत अच्छे से सूख गया है, इसको 1 से 2 दिन लगा है। आपको सुखाने के लिए ध्यान रखना है कि जब भी आप मावा बनाते हो तो वो जो मावा है पैन छोड़ने लगे तब तक पकाइए, तो आपका मावा परफेक्ट बना है आपको ऐसा लगना चाहिए। सेकेंडली ये जो हमने सुखाना है वो पंखे के नीचे जल्दी सूखेगा और विंटर में जल्दी सूखेगा, गर्मी की सीजन में उसको टाइम लगेगा। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम काटते हैं अभी हमारे ये बॉम्बे आइस हलवे को। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको एक फिनिशिंग दे देंगे एंड पिज्जा कटर से उसको सीधा काट लेंगे। साइड जो है उसको हम ऐसे निकाल देंगे। अभी हमने बॉर्डर काट ली है, अब यहाँ पे हम 4 इंच का मेजर लेंगे और 4 इंच का मेजर लेके ही उसको कट करेंगे। अभी वापिस आपको ऐसे खड़ा मेजर भी 4 इंच का लेना है। तो ये हलवा को हमने कट कर लिया है, पर जो नीचे का हमारा बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर है उसको काटने के लिए हमने ये शार्प नाइफ या तो ये फोंडेंट कटर है या फिर सीजर किसी का भी उपयोग करके आपको उसको काटना है। अभी हम इसको यहाँ से उठा के उसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो रेडी है यहाँ पे हमारा बॉम्बे आइस हलवा, जिसको हम गोल्डन आइस हलवा भी कहते हैं। तो ऐसी ही हमारी सारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसके लिए आपको हमारी रेसिपी को लाइक करना है, शेयर करना है एंड हमारी YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी साथ में प्रेस करना है, क्योंकि एवरी ट्यूसडे हम एक नई रेसिपी आपके लिए लेके आते हैं, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है? नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो एंड 15,000 के वर्कशॉप
एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।